नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शनी सिंह और आप देख रहे हैं खुलासा न्यूज। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जी हाँ, इस समय पाकिस्तान का भी यही हाल है। अपना घर तो संभल नहीं रहा है और चले हैं हम हिंदुस्तानियों को कश्मीर पर भाषण देने के लिए। पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह मसूद ने अभी अभी बयान दिया है कि भारत ने बहुत ही खतरनाक खेल खेला है कश्मीर में 370 आर्टिकल 370 हटाकर। जी हाँ, हम इस मामले को सुलझाना चाह रहे थे, हम जा रहे थे कि किसी तरीके से मध्यस्थता करके इस मामले को सुलझा लिया जाए, लेकिन अब ये लड़ाई हो गई है आर पार की। अच्छा, कश्मीर पहली बात तो आपका है नहीं और ये हमारे ही देश का हिस्सा है, तो हमारा पूरा अधिकार है कि हम अपने कश्मीर, जी हाँ जो भारत का कश्मीर है, उसमें हम क्या करते हैं और क्या फैसले लेते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि शाह मसूद साहब को हमारे बारे में चिंता करने की ज़रूरत है। अलबत्ता ये एक मज़ेदार बात ये है कि ये खबर सुनने के बाद पाकिस्तानी शेयर मार्केट को इतना बड़ा धक्का लगा है कि पाकिस्तानी शेयर मार्केट अब तक की सबसे बड़ी गिरावट झेल रही है। जी हाँ, सेंसेक्स जो था वो करीबन 31,000 तक सेंसेक्स, पाकिस्तानी सेंसेक्स लुढ़क चुका है। वैसे भी इनकी कोई फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी तो है नहीं। 1200 पाकिस्तानी रुपये किलो मटन मिलता है, जी हाँ, और 200 के करीब मिलता है नींबू और धनिया की पत्ती, जी हाँ, जो कि हम हर सब्जी में डालते हैं। आपको मालूम है 300 रुपये उसकी कीमत है, 300 रुपये पाकिस्तानी रुपया उसकी कीमत है। तो मसूद साहब को हमारी तरफ से, हम सारे हिंदुस्तानियों की तरफ से एक सलाह मैं देना चाहती हूँ कि पहले अपनी इकोनॉमिक स्थिति संभालें। अपना पाकिस्तान तो उनसे संभलता नहीं, बड़े आए हैं कश्मीर संभालने के लिए। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान को बिना मतलब के बोलने की जो आदत है और बिना मतलब के हर जगह अपनी टांग अड़ाने की आदत है, ये लगता है कभी भी ख़त्म नहीं होगी और बहुत ज़्यादा पेट में तकलीफ हो गई है सारे के सारे पाकिस्तान को। मसूद साहब ने और बोलते हुए ये कहा है कि कोई भी कश्मीरी और कोई भी मुसलमान इस 300 आर्टिकल 370 से खुश नहीं है। मसूद साहब, मुझे नहीं लगता कि आप भारत कभी आए हैं या कभी आने की आपकी कोई ऐसी मंशा है। यकीन मानिए, भारत का मुसलमान आज भी भारत का ही है। तो हमें ज्ञान देना बंद करिए और अपने देश की तरफ ध्यान दीजिए। मुझे लगता है, आशा करती हूँ कि जितने भी मेरे कोई पाकिस्तानी भाई लोग देखेंगे तो उन्हें भी ये वीडियो अच्छी लगेगी और मसूद साहब को बोलेंगे गेट वेल सून। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी रोचक वीडियोज़ देखने के लिए। नमस्कार।